जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा दिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देवराधा ट्रस्ट ऊपरी बाधा से पीड़ित मनुष्यों के लिए एक कार्यशाला 3 सितंबर से 8 सितंबर तक मध्य प्रदेश में गुना जिले में गुना शहर में करने जा रहा है, जिसमें किसी मनुष्य के ऊपर कोई भी किया कराया हो, किसी को खिलाई पिलाई की गई हो, काला जादू किया गया हो, मसान छोड़ा गया हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की पक्षी तंत्र पशु तंत्र वनस्पति तंत्र किया गया हो, या फिर प्रेत दोष हो, ऐसे ऊपरी बाधा से पीड़ित मनुष्यों के लिए ऊपरी बाधा काटने की कैंप लगाया जा रहा है। जिस जिस मनुष्य को किया कराया हटाना हो हटवाना हो वह हमसे संपर्क कर सकता है। संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, फोन पे संपर्क न करें। व्हाट्सएप से ही आपसे जवाब मांगा जाएगा, व्हाट्सएप से ही आपसे जानकारी मांगी जाएगी और व्हाट्सएप से ही हम आपको जवाब देंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 9251733747। हिंदी में भी सुन लीजिएगा 9251733747। यह कार्यशाला मध्य प्रदेश में गुना शहर में की जा रही है। आप सभी आमंत्रित हैं, पर पहले संपर्क करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद आपको स्थान बताया जाएगा किस जगह हो रही है और आपको इस मोबाइल नंबर पे जो हमने बताया है इस पे आप संपर्क करेंगे। काला जादू वास्तव में अपने शत्रु द्वारा किया जाता है। वह शत्रु घर परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, आस पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है, हमसे प्रतिस्पर्धा करने वाला मनुष्य हो सकता है। तो आप सजग रहें और यदि किसी मनुष्य को बुरे बुरे सपने आने लगे हो, शरीर में आकर के भोजन करता हो, शरीर में रहकर के शराब पीता हो, शराब पीने के बाद क्रोध करके उत्पात मचाता हो, या फिर किसी ऐसी महिला का जिस महिला के मासिक धर्म अनियमित रहते हो, चाहे महिलाओं को बदबू नहीं आती हो, बहुत स्वच्छता स्वच्छता से रहती हो, पवित्रता से रहती हो,
परंतु उसके बावजूद भी उसका मासिक धर्म यदि अनियमित रहता हो तो भी मान के चले ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि किसी मनुष्य का रात को 12 से 4 के बीच में नींद रोजाना खुलती हो, बिना मनुष्य के रहे यदि खुसफुसाहट की आवाज आती हो, ऐसा लगता हो कि कमरे के बाहर कोई दो चार व्यक्ति खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं परंतु आपको दिखते नहीं हैं, यदि ऐसी व्यवस्था हो या आपका एक निश्चित समय पर सिर दर्द रहता हो, सवेरे उठने पर आपको कमजोरी महसूस होती हो, या फिर रात को आपके साथ में चाहे स्त्री है तो उसके साथ कोई पुरुष आकर के सहवास करता हो, और यदि पुरुष है तो उसके साथ में स्त्री आकर के सहवास करती हो, ये सब सिम्टम काला जादू के हैं, ये मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं और मनुष्य के शरीर का खून चूसते हैं, मानसिक स्थिति बर्बाद कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसी मनुष्य से आत्महत्या तक करवा लेते हैं और मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि वह कब मर गया। इसलिए आप जागरूक रहें, जागरूक बने। यदि आप अपना साधारण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो, व्यतीत नहीं कर पा रहे हो, तो आप मान करके चलिए निश्चित तौर से आपके ऊपर ऊपरी बाधा है। सामान्य जीवन का मतलब हो गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी सो जाना और रात को अच्छी नींद आना, ये सामान्य मनुष्य के सिम्टम है। परंतु यदि आप 9-10 बजे तक सवेरे पड़े रहते हो, नींद आती रहती हो, तो मान के चलो ऊपरी बाधा है। या भी कोई ऐसी महिला जो 9-10 बजे के बाद उठती हो, तो मान के चलो उसके ऊपर ऊपरी बाधा अवश्य है। या फिर कोई महिला छोटी छोटी सी बात बात के ऊपर बहुत भयंकर क्रोध करती हो, या कोई पुरुष भी राई का पहाड़ बना देता हो, तो मान करके चलिए उस दोनों के ऊपर, किसी न किसी के ऊपर तो ऊपरी बाधा अवश्य है, उसका उतारा करना होगा। और एक और चीज तंत्र से बचने का तरीका, यदि आप तंत्र से बचना चाहते हो तो हर 8 दिन में एक सप्ताह में एक दिन सब व्यक्ति बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का हवन करें, गायत्री मंत्र का हवन करें, हनुमान चालीसा का हवन करें, और ओम बम भैरवाय नमः क्रीम कालिकाय नमः, ये बहुत साधारण से मंत्र हैं, इन मंत्रों को बोलते हुए हवन अवश्य करें, कम से कम 108 आहुति अवश्य दें, आपको निश्चित तौर से तंत्र में अवश्य फायदा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्गते देवी कालरात्रि नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय 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 माता दी जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, वो भवानी जगत जननी आद्य शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी सिंहवाहिनी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी आह्लादिनी शक्ति आपको निरोगी रखे, ऊपरी बाधा से बचाए, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से करते हैं। जय मां कामेश्वरी का।